नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। अंजन नगर के वार्ड क्रमांक 5 में मुख्यमंत्री संजीवनी हॉस्पिटल बनने की शासकीय भूमि पर आबकारी विभाग ने उनकी जमीन होने का दावा कर आपत्ति दर्ज की। इससे हटवाने की मांग को लेकर वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद प्रतिनिधि राधेश्याम एवं वार्ड के निवासियों द्वारा कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सोलंकी एवं सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को भी एक आवेदन सौंपा एवं जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा जी को भी आवेदन दिया गया एवं वार्ड के रहवासी एवं पार्षद द्वारा बताया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 5 में 1500 वर्ग फीट की शासकीय जमीन संजीवनी हॉस्पिटल के लिए चयनित हुई है, जिस पर आबकारी विभाग अपनी जमीन बताकर आपत्ति ले रहा है। वार्ड क्रमांक 5 के निवासियों का एवं पार्षद का कहना है कि संजीवनी हॉस्पिटल वार्ड क्रमांक 5 में शासन द्वारा शासकीय जमीन दी गई एवं क्लिनिक बने, इससे वार्ड क्रमांक 5 और वार्ड क्रमांक 6 के रहवासियों के लिए सुविधा एवं उपचार में आसानी होगी। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि राधेश्याम भाई, वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद अमर सिंह मालिय, हरि किशन कुशवाहा, पिंटू यादव, कृष्णा यादव, विष्णु जमरे, सभी वार्ड के रहवासी इस अवसर पर उपस्थित रहे और सभी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसी शासकीय भूमि पर संजीवनी हॉस्पिटल बनाई जाए। हम बात करते हैं वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद प्रतिनिधि राधेश्याम जी से। सर, ये संजीवनी हॉस्पिटल के जो आपके पास में बनाने के आदेश आए प्रशासन की ओर से, इस पर किसने आपत्ति लगाई और क्यों लगाई है? ये मुख्यमंत्री संजीवनी हॉस्पिटल मध्य प्रदेश शासन की ओर से मुख्यमंत्री द्वारा योजना के अंतर्गत हमारे वार्ड नंबर 5 में आई है और हम भी यही चाहते हैं कि वार्ड 5 के अंतर्गत ही बने, और ताकि यहाँ बनने से वार्ड क्रमांक 5 एवं 6 के पिछड़ा वर्ग बाहुल्य समाज के लोग रहते हैं और वर्तमान में जो हॉस्पिटल है वो यहाँ से कम 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पे है। अगर ये हॉस्पिटल यहाँ बनता है तो उनके सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर किसी ने आपत्ति लगाई है? हाँ, इस पर आपत्ति लगाई है आबकारी विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने। इनके पास, आबकारी विभाग के पास इसके कोई आदेश है लिखित में? ये तो हमारी जानकारी में नहीं है, पर प्रशासन सीएमओ बता रहे हैं कि इन्होंने आपत्ति लगाई है तो कुछ बेस पे ही लगाई होगी, पर इसकी जानकारी लेकर उसको मतलब वहीं बनाए। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि क्लिनिक हमारा वार्ड 5 में ही है तो उसी जगह पे शासन ने जो अथॉरिटी इसको दी है, अनुमति दी है, यहाँ तक कि तहसीलदार ने इसको चिन्हित की है, सीएमओ ने चिन्हित की है, प्रशासन ने नगर परिषद के द्वारा ये जमीन को चिन्हित की गई है, तो उसी चिन्हित जगह पर ये क्लिनिक बने, हॉस्पिटल बने, हमारी यही मांग है। ऐसी खबरों बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।